रा गुजरी महला पंजवा का रल मिल के विचार करांगे। इस विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, रा गुजरी महला पंजवा काहे रे मन जितवै उत्तम जा आर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतियो पाए ताकर जिका गए कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया। गुरप्रसाद परम पद पाया सुके का चर्या। जनन पिता लोक सुधवन बनता कोई न किसकी तरिया। सिर सिर जग संभाले ठाकर काहे मन पाव करिया। इस पाछे बचरे छरिया। इन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। काहे रे मन चितवे उत्तम जा आहर हर जियो परिया। हे मेरे मन क्यों तू चिंता विच ग्रसिया होया कि मैं ऐ करना रोटी कमाण वास्ते ऐ भी करना ऐ भी करना इधर नठना उधर नठना। चिंता फिक्र दे विच ही तू ग्रसिया है। जा आहर हर जियो भरिया। जिस नूं तू जिस वास्ते तू चिंता विच ग्रसिया है मन दे विच चिंता फिक्र रोटी कमान दे उद्दम दे विच ही तू उदे लालसा दे विच ही तू नठिया भजिया फिरना है। चिंता वो क्यों करना है वो तेनू देन रोटी देन वाला ता पाप चिंता कर रहा। रिजक देन दे उद्दम दा काम विच उद्दम दे रिजक देन दा उद्दम तो आप करतार आप कर रहा। करतार नूं आप चिंता है कि सारिआं नूं रिजक देना है तैनूं भी रिजक देगा। ओ आहार दे विच आहार दंदा काम उद्दम करना उद्दम दे काम ओ आहार उस असीं कहिंदे आ फलाणे आहार लग्गिआ आरे लग्गिआ ओ आरे ते करतार आप लग्गिआ तैनूं रिजक देण वास्ते उहनूं आप फिकरिआ। तू क्यों चिंता ग्रसवाया तेरा तो केवल हुक्म मन के काम करता है। हुक्म मन के तू अपना कर्तव्य करना है अपना कर्मा योगा करना है। जिस तरह महाराज ने सुखी साध फरमाया है कर्म कर्त होवे ने कर्म कर्म कर्त होवे ने कर्म इस वैष्णव का निर्मलता। कर्म करद्या होया उद्यम करद्या होया मेहनत करद्या होया नाल ही कहे मैं नहीं किया ये कर्मा योग है मैं कर ही नहीं सकता। कर्म करत होवे ने कर्म मैं कर्म किया मैं कर ही रहा उ कर रहा हिम्मत कर रहा स
सारा उत्तम का रक्षा कार्य के गुरु नानक का काम है, सब कुछ उदाया हमूर कार्य लाइया ए बिरती लियानी आ। इस तुकां दे विच दो तुकां विच बड़ी भारी डूंगी विचार है, डूंगी फिलासफी है, जिस नूं कई तरह के टपले लगते ने। एक पासे ते महाराज कहते हैं काहे रे मन चित वै उत्तम, क्यों उत्तम की चिंता विच रिजक नूं कमाई करन रोटी कमान की चिंता विच क्यों उहदे उत्तम की चिंता विच मन दे विच क्यों चिंता ग्रस आया, चिंता तैनूं लगी हुई है। वह चिंता तो रोटी देन की उस अकाल पुरख नूं आ, वह उस कम लगा है, सारे संसार नूं ही रोटी रिजक दे रहा, तू क्यों कर रहा। ते कई फिर मेरे वर्गे मूर्ख चुप करके बह जाते हैं, वह कहते हैं कि ना करिए क्योंकि वही रोटी देगा, वही सवेरे अमृत वेले उठाएगा, वही नाम जपाएगा, वही रोटी घर आके दे देगा, वही सारे कर देगा। जेडे ये इशारा बहुत उच्चा है, ये उच्ची अवस्था का इशारा है, ये उन्होंने मूर्खा लिए नहीं, उन्होंने मूर्खा लिए तो महाराज गया उद्यम करो, उद्यम करना है। उद्यम करे पलके बर्बादी स्नान करे अमृत सनाए, उम्र उद्यम का बहुत वड्डा महाराज ने बड़ी बड़िया अच्छी प्रमाण दे दे के महाराज ने बाणी च दस्या है कि उद्यम करना जरूरी है। जिस तरह ये रखा कर्म कर, कर्म करना है, ये कर्मा जोगा है, कर्म करत होवे नेह कर्म, कम करना हो। जे आप सामने फर्ज करो असी कोई नौकरी लगे हैं, खेती कर रहे हैं, ये खेती गुरु नानक दी है, ये नौकरी गुरु नानक दी है, ये व्यापार गुरु नानक दा है। हां मूर्ख कार्य लाइया मैं उससे उत्साह ना करा, जिस तरह हम गुरुद्वारे की सेवा में असं लगे तो असं कहने गुरु नानक दी है, बड़े जोर नाल उत्साह नाल लोग अपने घर का काम छड़ के इतने दस दिन दिन पांच पांच दिन महीना महीना आके सेवा करते हैं, उत्साह ना करते हैं। इस गुरु नानक दी समझते हैं, तो जिहड़ा घर का धंधा या घर का काम है उन्होंने अपना समझते हैं। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक ना सके, जब मेरी मिट जाए तब प्रकाश सवारे आए। वो मेरी धंधा जरा मेरा धंधा मेरा कार्य मेरी नौकरी मेरा व्यापार जो तक वो है तो उदों तक कलेश रहेगा, उदों तक यह चिंता रहेगी। तो जदों वो नौकरी घर की भी जी गुरु नानक की हो गई, घर की खेती धंधा जरा वह भी गुरु नानक का हो गया, व्यापार भी गुरु नानक का हो गया। तो आप मूर्ख बन के हम मूर्ख कार्य लाइया, मैनू मूर्ख नू गुरु नानक ने काम दे विच लाया होया आ। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरसत गुरसंग कीरे हम थापे, हम मूर्ख नू ते ए धंधे लाया महाराज ने। उस वेले यह होना चाहिए, उत्साह नाल करे, उद्यम नाल करे, उद्यम जरूर करना, उत्साह जरूर करना, काम करना, कर्म कर तो होवे ने कर्म, यह मन दे विच लिया ये अवस्था मन की लियानी आ। काम करद उद्यम करद कम करद फिर कदे नेक कर्म मैं नहीं करना, कर्म कर तो होवे नेक कर्म। तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, यह है निर्मल धर्म, यह निर्मल रहनी है, सच्ची रहनी है, यह सच्चा नियम है संसार दे विच। संसार जायो आके अपना जो भी मन महाराज ने काम दिता जिस काम से पे हो उस पूरी ईमानदारी ना करो। जिस तरह नामदेव जी, नामदेव जी अपनी दुकान से बह के कपड़े छापते, शिंदे सन कपड़े छापते, ठप्पा मारना राम, फिर ठप्पा मारना राम 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 राम, नाले कपड़े छापी जाने ते नाले राम राम जपी जाना। कहते ने कि त्रिलोचन भगत सी, उसने बड़ी सुनी उपमा नामदेव जी की, सुन गया बड़ा उच्चा भक्त होगा, खुद समाधि ला के बैठा होगा कि कुंदरा के विच जा अपना भोरा बनाया। अजकल है भी है बहुत रवाज चलिया है कि जो भी मेरे वर्गा थोड़ा बहुत झोला पालता
तो भोरा बना लिता अपना स्थान बना भी बना लिता स्थान भोरा भी हेठा बना लिता भोरे बैठ के सब कर लग पा ये वड्डी निशानी है संता दर्शी महाराज सत्यजा सिंह महाराज जिन्हों छिन्न आ चुकी थी एक चित जे एक छिन त्यायो काल पास के बीच ना आयो आत्मदर्शी बन चुके सी सत्यजा सिंह महाराज 55 साल की उम्र हो चुकी सी उन्होंने जो छिन्न आ चुकी सी अंदर आत्मा का ठोकर बच चुकी थी आत्मा का आनंद आ चुका आत्म रस का आनंद आ चुका सी आत्मयी आनंदमयी स्वरूप सुरत लग चुकी सी झलका आ चुका मन खिंचया गया मन उन्होंने करता सी संत जस जी का कि मैं एकांत च उस आत्ममयी जी आनंदमयी स्वरूप आत्म रस है मन टका रखा उसके ही मन टका रखा सिमरन करी जा उसके ही सुरत लीन हो जाए ये खिंच पै रही थी हुक्म मनन से अपने इष्ट देव का उन्होंने संत तेजा सिंह जी ने सतदसी महाराज ने पूछया बेनती की महाराज एकांत विच सिमरन करनु दिल करता है ये साखी आती है जीवन संत तेजा जी महाराज ने आप लिखी है साखी के दास ने पूछया सतदसी महाराज ने कि महाराज एकांत विच सिमरन करनु दिल करता है सतदसी महाराज ने कहा नहीं एकांत च नहीं करना संगत विच ही सेवा करने नाम जपना बहते हैं नाम त्याग सेवा करने ही नाम जपना संगत विच क्योंकि मन जड़ा या वो बोल कबोल सारदा उन्हू धंग आ जाता है उदे ताकत आ जाती है अभी गुरमुखो समाधियां ला कर नाम जपना रिद्धियां सिद्धियां आ सकदियां ने पर आत्म रस नहीं आ सकता क्यों कि जदों तक बोल कबोल आप किसी का ना सारांगे ये हौमै नहीं मरनी सतत्र सिंह महाराज मतों वाले कहते बोल कबोल सारना तपा सिर तापया बड़े बड़े महा महापुरुष बोल कबोल नहीं सारे रिद्धियां सिद्धि के बड़े मालिक होते हैं बोल कबोल सारना ये जदों मैं मर चुकी होंगी उदो ये लैबोरेटरी कही है टेस्ट कितों आता साध संगत रह के सेवा करांगे नाले नाम जपांगे उथे किसी का बोल कबोल ईरखा विरोध सारी मन के कढ़ांगे कहते अकांत संत सिंह महाराज ने सत्या सिंह महाराज कहा अकांत सिमरन नहीं करना साध संगत बहन सेवा करते रहना नाले पहलते आने नाम त्याग गुरु अमरदास जी ने कदों कांत जाके समाधियां लाइया सी गागर फटते सी लिया जी इष्ट देव नूं व्यासा जो पानी लिया के गागर नूं आंदे सी सारा दिन सेवा करके अपना लंगर रोटी खा के आराम करते सी शाम फिर तुर पैंदे सी भाई ये है इत्थे महाराज ने कहा है फरमाया कि नामदेव जी का जिसों उसने त्रिलोचन ने सोचा कि बहुत वड्डा भगत होएगा ते उन मन दे ख्याल कीता जाके किते भोरे च समाधि लाई होनी आ तुर पिया उस शहर नूं जे नामदेव जी दर्शन करन के उहदी बड़ी उपमा हो रही है कि नामदेव बहुत वड्डा भगत आ जिसले उत्थे पहुंचा ते उह लभदा लभदा गया ते दुकान ते उह कपड़े छाप रहा सी छीमा सी ना अपने कपड़े ठप्पे ला ला के कपड़े छाप रहा सी शक हो गया कि यह माया च होया भगत कितों भगत तो है ही नहीं है भगत तो होगा जरा शब्द समाधियां लाइया ने महाराज नामदेव जी ने उसके अंदर की चिंता शंका जरा बुझ रहा तो उन्हें कहा नामा माया होया नामा तो माया च होया तो महाराज नामदेव जी फरमाते ने हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल हाथां पैरां नाल सारे काम करने ने चीत निरंजन नाल चित जड़ा है अंदरों ये प्रभु नाल आई रहना काम करी जाने हाथां पैरां नाल और बड़ी सोहनिया मसालां दित्तियां आनी ले कागद काटी ले गुड़िया आकाश मते भरमियां ले पंच जना सो बात बताऊआ चीत सडोरी राखी जिस तरह बच्चे पतंग उड़ाते ने गुडिया बना लें कागज दिया पतंग उड़ाते ने तो पतंग गल्ला आप करते ने मेरी गुड्डी सब तो अच्छी बहुत उच्ची गुड्डी मैं तेरी गुड्डी उड़ा देना इस तरह गल्ला करते ने ध्यान होना कितने अपनी डोरी च अपनी गुड्डी डोरी च मेरी गुड्डी तनी रहे मेरी गुड्डी दूसरे
कटे कोई पांच जना सो बार बुधवा जीत सडोरी रख लिए मन राम नाम बेदिए दे जैसे कनन कला चित मांडिए ले कन कला जैसा सुनियार गहने घर आंदा अपनी दुकान से चित दा ध्यान किथे हुंदा ओ गहने घर दे विच चित्रकारी चुंदा ते परों आंदे ने गाहक ते ओ पुछदे ने की पाया सोने दा ए फलाणे कहण दा की पाया दसदा है गहणिया का भाव ही दसदा सब कुछ गल्लां बातां ही करदा नाले गहने घरी जांदा आ चित ध्यान उहदा सुरत जिहड़ा अखां नाल सुरत जिहड़ी लगी आ उह गहने घण च लगी आ मूंह जवान ना बोली जांदा गल्लां वी ना करी जैसे कन कला चित मांडी ले इस तरह मन राम नामा वेदिए दे हाथ पाओ कर काम सब जीत नरंजना फिर कीते मन नाम दे जी गहत नाम दे सुनो तो लोचन बालक पालन पौड़ी अले बालक नु पालन वास्ते बीबिया अंगूड़े च पा दिंदियां बालक नु अंतर बाहर काज विरोधी चीज बार राखी है बाहर अंदर काम करती है चित कित ध्यान कितने आता सुत कहता बालक जी मेरा बालक उठना पे रोना पे भंगूड़े जाती है भंगूड़े लूणा दे दी है कहते ना इस तरह काम करना है उद्यम करना है ते कर्म करत हो भी ने कर्म इस वैष्णो का निर्मल कर्म ने कर्म पे मैं नहीं कर्म किया मैं नहीं उद्यम किया उद्यम करना है कबीर साहब कहते ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर जो कुछ किया सुहार किया कह कबीर तो वह गुरु नानक का समझ के काम उद्यम करना है पर चिंता नहीं करनी चिंता कदों होंगी है जो जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक ना सरे उदो ये चिंता नहीं ग्रस जाता उदो कहते एक तो उठे महाराज ने क्यों चिंता कर रहे हैं क्यों इस दिल ग्रसिया आया क्यों नहीं तू सही उस कर्मा योगा जाता कर्म कर दो ने कर्म उदा क्यों नहीं आता तू उस अवस्था क्यों नहीं आता इस करके महाराज उन्होंने दसिया जिन्हों का अठे बैर माया तारी अत अन्ना गोला उन्होंने ये शब्द महाराज ने ठोकर मारी है क्यों तू क्यों मेर बनाई हुई है क्यों चिंता च फसया होया जा आहर हर जा उन्हां वास्ते महाराज ठोकर मारे जा मेरे वर्गे पुरख जिन्हां नूं भरोसा नहीं झूरदे फिरदे ने मैनूं रोटी नहीं मिलदी मैनूं ऐ नहीं मिलिया रोटी तो महाराज दे रहे ने नाल ही मैनूं मिलदा पैदल जा रहा तो कहिंदा मैनूं साइकिल नहीं मिलिया साइकिल मिल जांदा कहिंदा मैनूं हुण स्कूटर नहीं मिलिया महाराज स्कूटर दे दिंदे ने फिर कहिंदा हुण कार नहीं मिली उन्हां लई महाराज ने दस्सिया काहे रे क्यों चिंता च क्यों इहो जिहे लालसा च पिया होया आसा मनसा बंधनी पाई ये बंधन क्यों आसा मनसा च पै गया क्यों चिंता ग्रसा जाने उन्होंने महाराज ने कहा तू उत्ते भरोसा रख वो रोटी देने वाला है तेरा तो काम सिर्फ कर्म कर तो होवे ने कर्म क्यों ते महाराज ने फरमाया है नानक चिंता मत करो चिंता दिसी ही है अचिंत काम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा काहे मन तुम डोलता हर मनसा पूर्ण हार सब कुछ देना वो सब कुछ दिंदा तो रिजक का मालिक रिजक देना उन्होंने फिक्र है नानक चिंता मत गुरु चिंता तीसी है सो एक उन्हें वास्ते एक दुख महाराज फरमाई है कि आप सारे की बिंदी यह होनी चाहिए है काम करने उद्यम करना है पर मन कितने होना है उद्यम करते हैं कम करते हैं पैर हाथों का कम करते हैं चित कि लेना करता तुम्हें महाराज दे रहे मैं कर ही बात कर सकता ही नहीं अंदर जोत है तो कर रहा अंदर काल पर वसया होया तो सारा काम कर रहा ना हो तो मुर्दा वो तो मिट्टी हो गया कर सकता ही नहीं अगे महाराज फरमाते ने कि यह दस दिन कि चिंता किस तरह है
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਜਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਈ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆ ਗਏ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਸੈਲਾਂ ਚ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਸੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੌੜਾ ਪੱਥਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਥਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤੇ ਉਪਾਏ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੇ ਉਪਾਏ, ਉਹ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆ ਗਏ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਜਕ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਪੇਟ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠਾਰ ਲਈ ਆ ਗਰਭ ਦੇ ਚਾਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਕ ਨੱਕ ਖਸਮ ਹੱਥ ਗਿੱਤ ਤੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਇਸ ਦੁਰਗਾ ਕਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦਾ ਮਾਹਿਰ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਮਾਧੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਨਵੀਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬਈ, ਉਸਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ,
कि जो तुहाडी सत्संग च आया, तुहाडी सत्संग च मिलिया, तुहाडे चरना कमलों की प्रीत लगी, वो तर गया, ते उहदा मतलब यह है कि मेरे ते मेहर करो, मेरे ते भी कृपा करो। सहन नाई बुदकारिया वो घर घर सुनिया तरना जट न जिले समझ लिया कि नाई जड़ाया है नाम जप के घर घर उसकी उपमा हो रही है। सहन नाई बुदकारी घर घर सुनिया, ये भी सुन के जट रो कुछ भक्ति लागा मिले प्रतख गुसाइया तरना गटवा अरजोई कहते हैं महाराज सच्चे पातशाह पंजम पातशाह के हे मेरे सच्चे पातशाह काल पुरख वाहिगुरु मेनू ये समझ लगी आ कि तुहाडी सत्संग जिहड़ा आंदा आ चरणां दी कमलां दी प्रीत हिरदे च वसांद आया मन जिहड़ा आ तुहाडे नाल लांदा आ संगत नाल लांदा आ तर जांदा आ तुसीं मेरे ते भी कृपा करो मैं भी तुहाडी सत्संग च आवां। ये कई अनुभवी पुरुषों का है, बाकी कई ने हो भी संत अमीर सुना ने हो तरह किया। उन्होंने कहा माधव जी एक कोई अच्छा पुरुष ब्राह्मण सी कश्मीर का, वो आया तो माधव जी ने उन्होंने संबोधन करके पंजे पातशाह ने कहा कि हे मेरे हे माधव जी सत्संग से मिले सुन रहे वह भी ठीक नहीं टुटता भाई। ये बाणी च किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं हो सकती, शरीर की तारीफ नहीं हो सकती, किसी नां की तारीफ नहीं हो सकती दुनियावी नां की, ये तो नाशवंत नाशवंत जिहड़ी चीज आ उसकी तारीफ महाराज ये बाणी जो निरंकार है गुरु बाणी उहदे च नहीं कर सकते, क्योंकि नाशवंत तो कहते नाशवंत है ये झूठी है दृष्टमान है सगल बथेना। तो असली अनुभवी मन च भी यह टुकदा आ हे मेरे प्रीतम हे मेरे माधव जी हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु तुहाडी संगत दे विच जिहड़ा आया तुहाडे चरणा कमलों की प्रीत जिन लाई मन जिन शब्द गुरु नाल लाया वह तर गया मेरे ते भी कृपा करो कि मैं भी उस नाल तुहाडी संगत नाल चित लावां मेरे ते बख्शिश करो ते मैं भी तर जावां मैनू भी भव सागर तो पार उतारो। ये भव सागर तो सारे पार उतरे जिहड़ी तुहाडी संगत जिन जिन तुहाडी संगत कीती भव सागर तो पार हो गए तर गए मेरे ते भी कृपा करो मैं भी तर जावां तुहाडी संगत दा। गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे का सरिया गुरु की कृपा नाल जिन्हां ने अकाल पुरख के नाल प्रीत लाई प्रीत लाना संगत करनी सत संगत सच्ची संगत कहती है आत्मदेव की, आत्मदेव की मन ने संगत करनी है। पहले तो भाई तीन तरह दुनिया ने सेवा संगत, पहले तो संगत असी करते हैं बार पुरुषां की सधारण पुरुषां नाल आपां संगत कर रहे हैं जिहड़े जिग्यासु होंदे ने उहनां नाल संगत जिस तरह आपां सारे मिल के संगत करते हैं विचार करते हैं उस दे प्रीतम दी गल्लां करते हैं फिर उस तो बाद संगत हुंदी आ शब्द की जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द गुरु आपां पढ़ने हैं ये संगत है। पहले तो इंसाना की चंगे पुरुषों की संगत करने अच्छा होता फिर आप संगत दूसरी उच्ची संगत की आ शब्द गुरु की गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल संगत करने विचार करने बाणी सुबह शाम पढ़ने विचारने ये संगत है। तीसरी अवस्था बहुत उच्ची आ कि सुरत न शब्द न लाना शब्द की संगत करनी शब्द गुरु की संगत करनी वह किस तरह सुरत न शब्द न लाना सत्संग तीन सत्संग ने वह बाहर की पहले साकार संगत है जिहड़ी बाहर आप बैठ के विचार करने हूं आप बैठे हुए हैं विचार करें एक दूसरे नाल क्योंकि उस विचार के आप संगत कर रहे हैं तो उदे नाल वो साकार की बाहर बैठे दिसते ने कि फलाना आदमी बैठे फलाना भगत बैठा फलाना आदमी बैठा
वो संगत साकार संगत है। उहदे नाल उत्साह होया, फिर शब्द गुरु की संगत की साकार रूपी, क्योंकि यह भी साकार रूपी है ना। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी सामने प्रकाशमान अखां नाल दिखाई देते हैं। गुरु 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 नानक सच्चे पातशाह का शरीर दिखाई जो हुंदा सी वो साकार रूपी शरीर सी। निराकार रूपी शरीर ते कोई विरले देखिया, साकार ते सारिया देखिया। फिर आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी संगत करने, मत्था टेकने, उन्हें शब्द गुरु की संगत करने और पढ़ने, बाणी पढ़ने। महाराज जी चरनी लग गए, रोज एक दो पत्रे प्रेम ना पढ़ने, ओ गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत हुई, बाणी की संगत हुई। उस तो होर अवस्था उची हुई, बाणी ने दसिया कि तू सवेरे उठ, इशनान करके नाम जप, पंजा बाणी का पाठ कर, बहनद्या उठद्या नाम ध्याईए, ये सास ग्रास नाम जप। वो सास ग्रास जो नाम जपता आ, शब्द गुरु नाल सुरत लांदा आ, वो निराकार की संगत होगी। निराकार शब्द गुरु की संगत होगी, उस वेले फिर निराकार पहुंचता आ, जो सास ग्रास त्याए मेरा हारा, सो गुरु सिख गुरु मन पावे, वो गुरु मन पाता आ, वो निराकारी आत्मदर्शी हो जाता है। आत्मा दिसदी नहीं, रंग ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, कुछ भी नहीं, वो निराकार।